मोदी सरकार बने हुए करीब ढाई महीना हो चुका है, लेकिन जो यूपीए सरकार के मिनिस्टर हैं उनका अभी बंगले का मोह खत्म नहीं हुआ है। करीब ऐसे 16 मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी तक अपना बंगला खाली नहीं किया है। यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे जिन नेताओं ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है उनमें कपिल सिब्बल, फारूक अब्दुल्ला, अजीत सिंह और सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। ऐसे करीब 16 पूर्व मंत्री पिछले 2 महीने से सरकारी बंगलों में गलत तरीके से जमे हुए हैं। सरकार की तरफ से कई बार नोटिस मिल चुका है, उस नोटिस के का दबाव थोड़ा सा रंग जरूर लाया है कि उन्होंने अपनी जो नेम प्लेट यहाँ पर लगी रहती थी कपिल सिब्बल की वो यहाँ से हटा दी है कि जिससे बाहर से देखने से लगे कि बंगला खाली हो गया है, लेकिन हकीकत यही है। जो अंदर की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उनका स्टाफ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि उन्होंने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि इन पूर्व मंत्रियों पर 1 महीने की अवधि में बंगला खाली न करने के लिए करीब 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टाइप 5 के बंगले में रहने वाले पूर्व मंत्रियों को 53,250 रुपए की दर से, जबकि टाइप 3 में रहने वालों के लिए 2,43,678 रुपए की दर से जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पूर्व मंत्रियों को अपना बंगला खाली करना होता है। यही वजह है कि सरकार ने अब इन पूर्व मंत्रियों को 25 जुलाई को नोटिस दिया है और बंगला खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। सरकार के पास एक विकल्प ये भी है कि अगर ये लोग बंगला खाली नहीं करते हैं बार बार नोटिस के बावजूद भी, तो एक विकल्प है कि जबरन इनसे बंगला खाली कराया जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कैमरामैन कृपाल के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज़।